किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश लग रहा है अपराधों का प्रदेश बन चुका है, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दो खबरें सामने आई हैं जो बेहद दर्दनाक और घिनौनी है। शाहजहांपुर के डिग्री कॉलेज की बीए छात्रा जो अधजली और निर्वस्त्र अवस्था में मिली है, वहीं दूसरी घटना में हैंडपंप पर नहाने गई 4 साल की बच्ची की लाश मिली है, जबकि 8 साल की बच्ची घायल अवस्था में एक गन्ने के खेत से बरामद। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या आखिर यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें कानून का खौफ नहीं है। ताजा उदाहरण शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर नगरिया मोड़ की है, जहां एक डिग्री कॉलेज की बीए की छात्रा हाईवे के किनारे बिना कपड़ों की, वो भी आधा जली हुई परिस्थिति में पड़ी थी। ग्रामीणों ने जब अर्धनग्न और आग से झुलसी हुई इस लड़की को देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बड़ी मुश्किल से लड़की ने अपने पिता का मोबाइल नंबर बताया, जिसके बाद लड़की के परिवार को इसकी जानकारी दी गई। पूछताछ में पता चला कि लड़की जलालाबाद थाना की रहने वाली। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ क्या हुआ, उसके साथ ये घटना कैसे हुई, ये लड़की के बयान देने के बाद ही पता चलेगा। वहीं परिवार भी इस घटना के संबंध में कुछ भी बताने में असमर्थ। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी खबर भी शाहजहांपुर से दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां हैंडपंप पर नहाने गई 4 साल और 8 साल की दो चचेरी बहनों में से एक 4 साल की बच्ची की लाश खेत में मिली है और 8 साल की बच्ची घायल अवस्था में गन्ने के खेत में मिली है। हैंडपंप पर नहाने गई जब बच्चियां वापस नहीं आई तो गांव वालों ने इनकी तलाश शुरू कर दी और 4 साल की मासूम बच्ची की लाश बरामद हुई और घायल अवस्था में 8 साल की बच्ची एक गन्ने के खेत में मिली और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ था। वैसे शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्चियों के ऊपर किसी ने हमला किया था, मगर पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा कि आखिर हमला किसने किया। तो खत्म हो गई है जब मतलब उसी हालत में मिली थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दूसरी के लिए बहुत प्रयास किया है। 11:30 बजे के आसपास पुलिस और पब्लिक ने मिल के आसपास कॉम्बिंग करके इसको जिस समय ढूंढ के निकाला है, इसकी सांस चल रही थी और गले में चोट है और सिर में चोट है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे बीपी और पल्स और ऑक्सीजन का लेवल, ये तीनों नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर से ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे तक अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ नहीं होते तो फिर हम इसका इलाज कर लें।